अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ जो हमारा इस वीकेंड पे सेशन हुआ था। लाइव सेशन था स्टूडेंट्स के साथ, प्राइवेट सेशन था। मार्केट के बिगर पर्सपेक्टिव को लेके हमने डिस्कशन करने की कोशिश की थी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, चार हमारे टॉपिक थे। मार्केट इकोनॉमी के आगे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको कुछ लेके डिस्कशन थी। कॉमन अनकॉमन पैटर्न्स के ऐसी 100 वीकली और मंथली के जो मेजर पैटर्न्स थे जो आगे बिगर ट्रेंड के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं, उसको लेके कुछ डिस्कशन थी, जिसकी अभी आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करने लगा हूँ। उससे पहले एक चीज़ मेंशन कर दूँ, हमारे नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं। PSX और टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंप्लीट डिटेल्स ट्रेनिंग के बारे में आउटलाइन उस वीडियो के अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बस वालेकुम असलम, क्या हाल है भाई सबके? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल ग्रुप मेंबर्स, नीर साहब, असलम, अस्सलाम वालेकुम मीर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब दानिश पूछो, क्या पूछ रहे थे तुम आगे, क्या आगे तुमने सवाल किया था? मीर भाई, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास काफी ग्रुप साइड हैं और काफी डिस्कशन होती है। आप जानते हैं काफी है, सब है, ठीक एग्जॉस्ट हो गए हम ज्यादातर। अब देखें, हाँ है। ये आगे अभी जो हम बात कर रहे थे ना, कि देखें हमारी मार्केट के अंदर, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि एक ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्पेशली ट्रेनिंग के अंदर ये चीज मैंने ऐड की हुई है कि भाई कब मार्केट के अंदर काम नहीं करना। ये बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ, लोगों को नहीं समझ आती, क्योंकि शायद लोग फिर उतनी मार खा के जितनी मैंने खाई है शायद फिर समझ जाएंगे। क्योंकि इस तरह की भी मार्केट के अंदर, देखो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं, अगर टॉपिक्स को भी देखा जाए ना, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को देखेंगे आगे जो एक्सपेक्टेड हैं, कॉमन और अनकॉमन थिंग्स या पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसी 100 वीकली मेजर पैटर्न और मंथली मेजर पैटर्न। अब देखो एक आम बंदा किस तरह से मार्केट को देखता है या उसकी मार्केट को लेके क्या अप्रोच होती है। अभी देखो एक रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोगों को मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि मार्केट जो है इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले स्लो डाउन हो जाएगी, उसके अंदर काम नहीं करना। अभी वो एक हफ्ता पहले ही होगी, मतलब इसी वीक होगी, ठीक है। वोलेटाइल होने की बजाय वो सीधा ही नीचे चली जाएगी, करेक्शन ट्रिगर होगी। 40,900 लेवल दिया हुआ था कि इसके बाद भाई काम नहीं करना, इसके बाद करेक्शन ट्रिगर होगी। अब देखो मैं इसमें कोई अपनी बड़ाई वो नहीं कर रहा बयान, लेकिन ये देखो कि जो टेक्निकल बंदा होगा ना, वो आपको क्या कहेगा कि ये लेवल है, ये ब्रेक हुआ तो ये होगा, ये ब्रेक हुआ तो वो होगा, ठीक है। ये बंदा कोई भी नहीं कहेगा भाई आगे जो मार्केट ने एक रैली दे दी है, आगे मॉनेटरी पॉलिसी है 2-3 हफ्ते के बाद, तो हो सकता है मार्केट फिर उसको डाइजेस्ट करे, स्लो डाउन हो जाए, मार्केट ने इसको हजम करना है तो फिर आगे कोई काम दोबारा से शुरू होना है, ठीक है। ये क्यों था, ये क्यों मैंने कहा, ये सिर्फ एक मार्केट अंडरस्टैंडिंग है। मार्केट को पहले समझेंगे और फिर टेक्निकल्स को यूटिलाइज करेंगे ना प्रॉपरली, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको फायदा होगा, ठीक है। अब जिस तरह से मार्केट अपने बॉटम पे थी अल्हम्दुलिल्लाह से, उस वक्त हमने ऑटो सेक्टर और ये रिफाइनरीज और साथ में सीमेंट सेक्टर, इसके अंदर हमने तेजी की थी और बहुत अच्छा, स्पेशली ऑटो के अंदर हमने बहुत अच्छा गेन किया, ठीक है। लेकिन अब टेक्निकल्स वाले जितने भी देखोगे तो मोस्टली यही लगे होंगे लेवल्स के ऊपर, लेकिन ये टाइम लेवल्स को डिसाइड करने का नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। हमारी मार्केट दुनिया की दूसरी मार्केट्स की तरह नहीं है, तो हमारी मार्केट में ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई कब हमारी मार्केट में काम नहीं करना। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि जब हमारी मार्केट के इस तरह के हालात होते हैं या इस तरह की लिक्विडिटी का टाइम आ जाता है, जब ड्राई हो जाती है लिक्विडिटी, तो जब मार्केट के अंदर दोबारा से एक कह लें कि ट्रेंड शुरू होता है 2-4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, 95% उनमें से मैं भी एक होता था, ठीक है, कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये साइकिल किस तरह से चलता है मार्केट का। तो 95% लोग होते हैं जो ड्राई लिक्विडिटी वाली मार्केट के अंदर जो उसने लॉसेस किए होते हैं उसको ही सिर्फ रिकवर कर रहे होते हैं वो, ठीक है। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो जब मार्केट जहां से स्टार्ट लेती है वो वहीं से प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं, ठीक
ठीक है, और लास्ट रैली के अंदर ये जो 4000 पॉइंट की थी इसके अंदर हमने किया, बहुत सारे आई होप हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बहुत सारे स्टक भी होंगे, वो सीखेंगे, मार खा के सीखेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी होता है। तो हमारी मार्केट में भाई ये समझ जाओ कि कब हमारी मार्केट के अंदर काम नहीं करना, जब पैसा बचा लिया तो फिर जब टाइम आएगा ना पैसा लगाने का, फिर आप लोगों के पास पैसा होगा और बाकी सारे लोग जो है ना बस मुंह देख रहे होंगे कि लॉसेस रिकवर हों। ठीक है, तो आज हम मार्केट को लेके कुछ बिगर पर्सपेक्टिव देखेंगे, मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन देखें, जैसे हमेशा मैं कहता हूं ना, टेक्निकल्स के साथ अगर किसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या उसको एनालाइज कर रहे हो, तो ब्लाइंडली टेक्निकल्स के ऊपर भी नहीं जाओ। ठीक है, आपको कुछ कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए, फ्यूचर के बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स आगे क्या हैं, ताकि आप टेक्निकल्स के साथ उसको रिलेट कर सको, जब एनालाइज करो टेक्निकल्स के साथ, ताकि आपको एक अच्छी डायरेक्शन नजर आए। जिस तरह से शायद मैंने वो एवीएन वाली वीडियो पोस्ट की थी हमारे प्राइवेट ग्रुप में, मुझे याद नहीं है की थी कि नहीं, मैंने एक दोस्त के लिए बनाई थी वो प्राइवेट वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ था कि भाई ये आगे इसके प्रोस्पेक्ट बिजनेस के बहुत अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी टेक्निकल एनालिसिस किया था और वो जबरदस्त टारगेट्स ने हिट किए हैं। 140 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सेल किया था, 80 रुपीज के ऊपर जो बाय किया। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी की जो रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक मार्केट है, उस स्टॉक मार्केट की रिफ्लेक्शन है आपके चार्ट्स। ठीक है, तो उन चीजों को जरा थोड़ा बहुत समझ जाओगे तो यहां पे आप बहुत अच्छे से चीजों को टेक्निकल्स के ऊपर समझ पाओगे। पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं जो हमारी ये चार आज के टॉपिक्स होंगे इकोनॉमी को लेके, आगे हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी के। देखें, ये जो भी हम आज टारगेट्स या पैटर्न्स डिस्कस करेंगे ना, इनकी बेस बेसिकली इकोनॉमी ही होगी। ठीक है, अगर इकोनॉमी के ये टारगेट्स पूरे नहीं होते तो अब जारी सी बात है, अगर इकोनॉमी आपकी लेफ्ट साइड पे जा रही है तो मार्केट आपकी कभी भी राइट साइड पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है, अगर आप देखें तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो रिसेंट इंटरव्यू भी उन्होंने काफी सारे दिए, उसके अकॉर्डिंग 5.5% उनकी ग्रोथ टारगेट है जीडीपी। हम 5.5% को इमेजिन नहीं करते, हम कहते हैं चलो 4.85% के बीच में भी अगर ये लोग कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर जीडीपी आपका 4.5% के अराउंड भी होता है तो वो किस तरह से होगा? आपकी LSM बढ़ेगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। वो किस तरह से बढ़ेगी? जब आपकी कंपनी सेल्स करेंगी। ठीक है, हाई सेल्स होंगी उनकी, मतलब 20-25% 30% सेल्स बढ़ती रहेंगी, तो जाहिर सी बात है ये टारगेट फिर अचीव होंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो ग्रोथ टारगेट है ये गवर्नमेंट अचीव करे, जो मैक्सिमम लेवल है वो ना भी करे, 4.5% तक वो करें। ठीक है, 4.5% तो ये जो बड़े बड़े अदारे हैं, मालियाती अदारे, उन्होंने भी कहा हुआ है। खैर, तो ये जीडीपी ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपको पता है हमारी मार्केट की इस वक्त कैपिटलाइजेशन जो है, सिंपल सी कैलकुलेशन, ये वो चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो हर बंदे की समझ में आती हैं, मोटी मोटी इकोनॉमी की चीजें, कोई इसमें वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारी जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन हमारी इस वक्त $50 बिलियन के अराउंड है। ठीक है, $50 बिलियन के अराउंड है, और जब हमारी जीडीपी 5+ थी नवाज शरीफ के दौर में, तो हमारी मार्केट की कैपिटलाइजेशन थी $95 से $100 अरब की। ठीक है, तो जारी सी बात है, अब देखें मुल्क में हर चीज महंगी हो रही है। मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं कि भाई कंपनी कभी घाटा नहीं खाती, वो जब भी महंगाई होती है वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर देती है जो भी उसका इंपैक्ट है। ठीक है, जिस तरह से आप स्टील की अभी रिसेंट प्राइसेस देखें, जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, या जिस तरह से दूसरा जो कुकिंग ऑयल है उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं, चीनी की बढ़ी है, ये सारा इंपैक्ट जो है इन्फ्लेशन का वो कंज्यूमर के ऊपर कंपनी दे देती, कंपनी घाटे में नहीं जाती। अब आप देखें फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं, मैंने तो 2-4 देखे हैं, और उनकी सेल्स देखें 20-20% जो सेल्स बढ़ी हैं। ISL की मैंने रिपोर्ट का भी जिक्र किया था, एक बड़े हाउस की रिपोर्ट थी, उसके अंदर उन्होंने प्रोजेक्टेड जो EPS दी हुई थी इस साल की, वो मेरे ख्याल से 26-27 रुपए थी। इसी तरह से एक और था, जिया चेन्नई था, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो इनकी आप ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखें जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं।
तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कंपनीज अपना काम ठीक तरह से कर रही हैं। मुल्क में महंगाई हो रही है, कंपनीज अपना जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है आगे पास ऑन कर रही हैं, वो हर चीज मुल्क में बढ़ रही है सिवाय स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट अभी के जो हालात हैं, अभी देखें 4000 पॉइंट की जब रैली आई थी तो किसी को लगता था कि मार्केट इसी तरह से बैठ जाएगी, उस वक्त हर बंदा खुश था। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है गवर्नमेंट को कोई वो नहीं करता अप्रिशिएट, जब मार्केट नीचे आ रही होती है सारी हामियां गवर्नमेंट की, इमरान खान की और इन सब की नजर आने लग पड़ती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ने जिस तरह से पहले चली, जब चली तो ऐसा लगा कि मंदी थी मार्केट के अंदर, या मार्केट 40,000 पे जा रही थी, वो सब भूल गया कि 40,000 जानी है मार्केट या 39,000 जानी है। उसकी वजह क्या है कि लोग जो करंट सेंटिमेंट है उसमें जी रहे होते हैं, वो उसको इतना इंपैक्ट लोगों के दिमाग के ऊपर कर रहा होता है कि लोग जो है न्यूट्रल होकर कभी भी एनालाइज कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपको मैंने जिस तरह से बताया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ ये मैटर करती है। मुल्क में हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज का इंपैक्ट आगे वो पसंद किया जा रहा है कंज्यूमर के ऊपर, सेल्स अच्छी बढ़ रही है, सारा कुछ ठीक जा रहा है कंपनीज के एंड से, तो इंशाल्लाह से आपकी जीडीपी ग्रोथ भी उसी तरह से होगी तो आपकी मार्केट भी अल्टीमेटली वो टारगेट्स अचीव करेगी जो हम आज इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। नंबर दो पे जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो अभी सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है हमारी मार्केट को, मुल्क को, वो है एक्सचेंज रेट, जो कि एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मैटर करती है चीज वो ये डॉलर है। अभी ये खुल के सारी चीजें सामने आ रही हैं, जो साबिक मशीर थे हमारी हकूमत के, वो उनका इंटरव्यू भी था, उन्होंने बताया था कि हमारी डील हुई थी कि भाई 173 डॉलर करना, इसको पहले डीवैल्यू करो अपनी करेंसी को 173 तक लेके आओ, तो फिर हमारे साथ जो है मुजाकरात के लिए आना। अभी तो वो 175-76 हो गया, तो 175 इसके बिलो, ये अभी शॉर्ट टर्म में तो आप देख रहे हैं फ्लक्चुएशंस बहुत हो रही हैं, क्योंकि वहां पे अभी डील होनी है, वो एक मिसहैंडलिंग हुई है वहां पे। डील आपकी जब होगी उसके बाद की बात कर रहा हूं कि आपके डॉलर को 175 से नीचे रहना चाहिए। पहले नंबर पे आपको जीडीपी बताया 4.8-5%, ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज रेट 175 इसके बिलो जाना चाहिए इस डील के बाद। तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट रेट आपका 9% तक मेरे ख्याल से मार्केट डाइजेस्ट कर सकती है, और पहले भी आपको मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट आपका इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो 8.5% के हिसाब से मार्केट मूव कर रही है, 7.5% के हिसाब से नहीं कर रही। अगली जो पॉलिसी है उसके अंदर 1-1.25% आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, हो सकता है 8.5% तक आपका इंटरेस्ट रेट चला जाए। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके इकोनॉमी की साइड पे, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ, दूसरे नंबर पे एक्सचेंज रेट का बताया, तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट रेट का बताया, जो फिगर्स आपको बताए हैं। अगर ये तीनों चीजें इस तरह से रहती हैं तो ये जो टारगेट्स हम डिस्कस करेंगे ये अचीवेबल हैं, क्योंकि इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन है स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट की रिफ्लेक्शन है टेक्निकल चार्ट्स। आप टेक्निकल चार्ट, अब हमारे यहां पे जो आप देख रहे हैं मोस्टली लोग जो अब हर बंदे ही टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था, तो उनकी जो बेस होती है वो प्योरली टेक्निकल लाइंस ही होती हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइंस और पैटर्न्स ही होते हैं, ठीक है, जबकि पीछे मतलब कि उनको इकोनॉमी की या इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं होती, सॉरी टू से, ठीक है। तो इन तीन चीजों को हमने देखना है ये किस तरह से ये चीजें मूव करती हैं। अब हमारी जिस तरह से मैंने कहा कि हमारी फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी कंपनीज के लिए, और सेल्स अच्छी भी आई हैं जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, तो होपफुली ये टारगेट अचीवेबल हैं, ये कोई बड़े टारगेट्स नहीं है जो मैंने आपको बताया, तीन फिगर्स जो आपको बताए हैं कि इसको मेंटेन और अचीव करना। दूसरे नंबर पे जो हमारा पॉइंट है कि कॉमन और अनकॉमन पैटर्न्स किस तरह से लोग अप्रोच करते हैं मार्केट को लेके, और किस तरह से एक्चुअली में चीजें होती हैं, इस चीज को हम देखते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको पहले देता हूं, बल्कि मेरे ख्याल से इसकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल आगे मैंने आपको दी है कॉमन और अनकॉमन थिंग्स की, कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर कब काम नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्लो डाउन हो जाएगी,
अब देखें यार, मैं एक आम बंदा हूँ ना, मैं कोई मतलब कोई ब्रोकर तो नहीं हूँ, मेरे को पास कोई बहुत हाई फाई रिसोर्सेज तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक मार्केट रीडिंग है। अगर मैं समझ सकता हूँ तो आप भी समझ सकते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर देखेंगे वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि कौन कितना मार्केट से सीखता है, ठीक है, वो सिर्फ लकीरों के पीछे नहीं भागता। तो अभी हम, मैंने भी आपको मार्केट से मना किया था काम करने को, मार्केट को देख रहे हैं ना बैठ के, और जो कैश के ऊपर बैठा हुआ है वो एंजॉय कर रहा है मार्केट को देख के, वो पैनिक नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे मैं कुछ देख रहा था, ये GHNI का मैं चार्ट देख रहा था, तो यहाँ पे अब एक चीज आप देखें ना, तो आपको कॉमनली क्या चीज नजर आएगी, कॉमनली आपको ये चीज, आपका चार्ट तो नहीं शेयर, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं है। ओहो एक मिनट यार, आपने बाकी जो चीजें एक्सप्लेन की वो भी आपने ऑलरेडी राइटअप की मेरी चार्ट पे, चार्ट पे नहीं थी वो, तो मैंने यहाँ पे जस्ट चार पॉइंट लिखे हुए थे। या अभी नजर आ रहे हैं आपको? जी अभी हाँ, मतलब वो जो चीजें एक्सप्लेन की है वो मतलब इसी तरह से थी, मैंने वो कोई चार्ट के ऊपर नहीं थी, ये सिर्फ चार टॉपिक सामने लिखे हुए हैं। सेकंड टॉपिक अभी चल रहा है जो हमारा कॉमन अनकॉमन पैटर्न्स के बारे में है। अभी ये GHNI के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि आम बंदे की क्या अप्रोच होगी मार्केट को लेके ना, मतलब यहाँ पे अगर आपको आप देखें तो एक आपको पैटर्न नजर आ रहा है हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक उसको रेजिस्टेंस भी मिली है, ठीक है, देखने में यही नजर आता है कि भाई रेजिस्टेंस भी मिली है। तो अब ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट निकालें तो जो इसके असूल हैं हेड एंड शोल्डर के, इसके हिसाब से फिर ये टारगेट निकलेगा। ये टारगेट कितना बनता है, मतलब 100 रुपए के करीब टारगेट बनता है। आप ये सोचें कि क्या ये टारगेट अचीवेबल है अभी, मतलब फिलहाल क्या आपको लगता है कि ये 100 रुपए का टारगेट, हाँ अगर जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी के खुदा नास्ता हालात बहुत बुरे हो जाते हैं, कोई बिल्कुल अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है, तो वो उस हिसाब से ये चीज पॉसिबल है, और उसमें फिर ये समझना कि ये हेड एंड शोल्डर की वजह से हुआ है तो ये बेवकूफी है, ठीक है। तो इस चीज को सर, अब एक आम बंदे की अप्रोच ये होती है कि भाई ये तो हेड एंड शोल्डर बन गया और यहां से तो मार्केट इतना नीचे जाएगी, लेकिन हमारी मार्केट में इस तरह से चीजें नहीं चलती, और स्पेशली मैं आपको कहता हूं कि हमारी मार्केट के अंदर कॉमन पैटर्न्स या कॉमन चीजें तो होती नहीं है जो हर बंदा देख रहा होता है। अब इसको देखने का एक तरीका ये भी था जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, और एक तरीका ये भी है, अगर हम इसको इस तरह से भी देखें तो इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। अब जिस तरह से आगे आप देख रहे थे, आगे आपको क्या नजर आ रहा था, एक बेरिश पैटर्न नजर आ रहा था जो कि आपको बता रहा था कि ये 100 रुपए तक जा सकता है ये वाला जो स्टॉक है। अब ये हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, तो अब ये जो पैटर्न बना आपके सामने ये आपको क्या कह रहा है, तो ये इसने पूरा ही एक वो चेंज कर दिया कि डायरेक्शन ही इसने स्टॉक की चेंज कर दी, तो ये एक बुलिश पैटर्न बन के आपके सामने आ गया, एक बुलिश फ्लैग आपके सामने बन के ये आ गया। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, अभी आपको केसी 100 के चार्ट के ऊपर भी जाके ऐसी चीजें दिखाऊंगा। अब ये समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि अब जो ब्लाइंडली टेक्निकल्स के ऊपर चलेगा तो उसको तो मार्केट इसी तरह की चीजें दिखाएगी, ठीक है। आप कंपनी के थोड़े से आपको प्रोस्पेक्ट्स पता होने चाहिए बिजनेस के, आगे वो क्या कर रही है, तो आप इजीली उसको रिलेट कर पाएंगे टेक्निकल्स के ऊपर, और इजीली कोई बेहतर एनालिसिस आप कर पाएंगे, ठीक है। और अगर अभी जहां पे देखा जाए, और जिस तरह से कंपनी ये चल रही है, जिस तरह के इसके रिजल्ट्स हैं, सेल्स हैं, और इसी तरह से अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करती है, तो इसके हिसाब से आप देखें कि क्या इमेजिन कर सकते हैं आपके इस कंपनी के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अभी ये सिर्फ फ्लैग के अंदर मूव कर रही है, और फ्लैग के बिल्कुल बॉटम पे है ये कंपनी। एक बंदा इसको देख रहा है हेड एंड शोल्डर की शक्ल में, क्योंकि अभी करंट सेंटिमेंट जो मार्केट के हैं वो नेगेटिव है, ठीक है, और एक बंदा इसको देख रहा है इस तरह से कि यार ये तो एक मार्केट के अंदर, ये स्क्रिप्ट के अंदर एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, और इसका सिर्फ ब्रेकआउट ही इतना ऊपर है, 280 रुपए के ऊपर तो सिर्फ इसका ब्रेकआउट है, ठीक है। तो
इसलिए कि ये आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये था, क्योंकि मैं काफी जगह ग्रुप्स के अंदर भी देख रहा था के एसी 100 को स्पेशली लेके लोगों की अप्रोच ये थी कि यार ये तो के एसी 100 के अंदर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और ये ब्रेक होगा और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये अब मोस्टली लोगों की यही सोच है, अप्रोच है कि ये अब सेकंड शोल्डर कंप्लीट होने जा रहा है और ये यहाँ से ब्रेक होगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे हम मार्केट को देखेंगे 38,000-37,000 के शायद अराउंड देखें, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ और मैं तो भाई इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं हूं कि मार्केट को पहले प्रेडिक्ट किया जाए। मैं पहले इस तरह की चीजें बिल्कुल करता था, लेकिन मुझे जो समझ आई वक्त के साथ साथ कि मार्केट को कभी भी बिफोर टाइम प्रेडिक्ट नहीं करो, हमेशा मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करो जब तक वो चीजें आपके सामने खुल के सामने नहीं आती। अब जैसा से अभी हम मार्केट के अंदर काम नहीं कर रहे, हम मार्केट को देखेंगे क्या आगे मार्केट करती है। अब जो मैंने आपको आपके साथ चीजें डिस्कस करनी थी जो इंटरेस्टिंग थी मार्केट के हवाले से, अब लोग तो इसको इस तरह से देख रहे हैं ना, हेड एंड शोल्डर की शक्ल में, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ इकोनॉमी के पहले प्रोस्पेक्ट्स बताए, ये चीजों की पॉसिबिलिटी है और ये चीज अपने टारगेट्स अचीव होते हैं जो इकोनॉमी की दो तीन चीजें आपको बताई हैं, तो उसके हिसाब से आपकी मार्केट फिर 38,000 पे जाएगी, ये समझ आती है आपको, 38,000-37,000 पे जाएगी, या फिर हम इसको एक और तरह से इस मार्केट को आप देखने की कोशिश करते हैं जो अनकॉमन कह लें कि पैटर्न है या अनकॉमन थिंग है, ठीक है जी। जो मैंने इस मार्केट के अंदर देखा, यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं जी RSI, हालांकि मैं इसका कोई फैन नहीं हूं इस इंडिकेटर का या किसी भी इंडिकेटर का, लेकिन कुछ चीजें इसके ऊपर आपको दिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। अभी आप एक चीज देखिएगा, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि आपकी मार्केट की इस वक्त जो कैपिटलाइजेशन चल रही है वो 50 बिलियन डॉलर के अराउंड आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, PE जो है वो 5.5-6 के अराउंड आपकी मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस वक्त चल रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपका इंडेक्स देखा जाए जो पहले वाली मार्केट थी यानी 53,000 वाली मार्केट थी, उसके हिसाब से आपकी मार्केट 33,000-34,000 के अराउंड कहीं पे चल रही है, ठीक है। ये मतलब एक कंपेरिजन पिछली मार्केट से करके आपको दिखा रहा हूँ। अब यहां पे एक चीज अगर आप देखें, जरा गौर करें, तो यहां पे आपको एक चीज नजर आएगी जो कि है यहां पे, जो कि वीकली एक्युमुलेशन है बेसिकली। अब इसके अंदर कितनी कोरिलेशंस हैं, इसके अंदर कितना मतलब वो आपको चीजें मिलेंगी, अब मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा, आप देखिएगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या कुछ एक जैसा है, इन दोनों ये जो कंसोलिडेशन है। अब लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं कि भाई ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मान रहे हैं, और हम इसको किस तरह से देख रहे हैं, हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन वो सारी जो पहले चीजें बताई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। अब यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं कि जब यहां पे भी कंसोलिडेशन हुई थी, यहां पे भी देखें तो नीचे कितनी बड़ी बड़ी विक्स बनी थी, यहां पे भी देखें कितनी बड़ी विक बनी है, यहां पे देखें कितनी बड़ी विक बनी, यहां पे देखें कितनी बड़ी विक बनी, ठीक है। अब और कुछ चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। अब देखिएगा कि इसका हाई क्या है, इस कंसोलिडेशन का हाई है तकरीबन 36,000, ठीक है। और इसका अगर हम बॉटम पकड़ें तो बॉटम कोई लग रहा है 29,500 कह लें, 29,500, ठीक है। तो हाई लगा कितना, 36,000 और 29,000, 7,500, ठीक है। 7,500 के अंदर ये सारी कंसोलिडेशन हुई थी, ठीक है। अब इसको यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कितने पॉइंट बन रहे हैं, 43,000 का बॉटम है और टॉप कितने का है, 49,000 का, तो ये तकरीबन 6,000 पॉइंट यहां पे मान के, तो यहां पे कोई 7-1,000 पॉइंट थे, ठीक है। तो यहां पे 6,000 पॉइंट तकरीबन बन रहे हैं जिसके अंदर मार्केट मूव कर रही है। अब यहां पे एक दो और चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी देखने वाली, और वो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब यहां पे देखें एक इंटरेस्टिंग चीज कि जब आप देखें हमारी जो वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनी थी जिसने मार्केट को अच्छा खासा तंग किया और वहां से मार्केट ने एक छोटी सी करेक्शन ली। अभी देखें ये एक छोटी सी करेक्शन थी मार्केट की,
ठीक है, ये एक सिर्फ छोटी सी करेक्शन थी जो मार्केट ने ली और उसमें हालत अच्छे खासे लोगों की खराब हो गई और लोगों का अच्छे खासा नुकसान हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर देखें एक चीज आपको नजर आएगी कि यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस नजर आ रही है, ठीक है, जिसने मार्केट को अच्छा खासा तंग किया, करेक्ट किया मार्केट ने। अब यहां पे देखें एक डाइवर्जेंस यहां पे बनी और बड़ी खूबसूरती के साथ ये आप देखें कि यहां पे भी डाइवर्जेंस बनी और उसके बाद क्या मार्केट ने किया, मार्केट ने बड़ी खूबसूरती के साथ करेक्ट किया। ठीक है, यहां पे डाइवर्जेंस बनी, मार्केट ने बड़ी खूबसूरती के साथ करेक्ट किया। अब अगर हम देखें कि इस करेक्शन में जो आरएसआई थी अपना, उसने बॉटम क्या लगाया था, तो हम यहां पे अगर हम देखें तो उसने बॉटम अपना लगाया हुआ है कुछ 33 का उसने अपना बॉटम लगाया, 32.80 तकरीबन 33 की आरएसआई उसने अपना बॉटम लगाया था। यहां पे अगर हम आके देखें तो यहां पे क्या लगा था, यहां पे तकरीबन 38 की आरएसआई उसने अपना बॉटम लगाया था, मतलब तकरीबन 5-6 पॉइंट का फर्क है। यहां पे भी देखें तो बहुत क्लोज मामला गया है, 38 यहां पे 33 की आरएसआई से मार्केट फिर चलना शुरू हुई आप देखें जनवरी 2016 में, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से मार्केट तकरीबन एक साल मार्केट ने परफॉर्म किया है। ठीक है, और यहां पे फिर जाके मार्केट ने दोबारा से एक डाइवर्जेंस बनाई और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर आगे ट्रेंड शिफ्ट हुआ पूरा का पूरा। तो मतलब कि एक डाइवर्जेंस जो मार्केट ने बनाई थी यहां पे, उसको क्या किया मार्केट ने, यहां पे 32 तक आके 33 तक आके डिसॉल्व किया और फिर वहां से मार्केट चली और आरएसआई को एडजस्ट करवाते हुए इस पॉइंट से 30,000 से मार्केट चली थी और मार्केट ने अपनी रैली का हाई क्या लगाया, 53,000 का, और ये कोई एक से सवा साल का अरसा एक से सवा साल का अरसा, एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं जरा आता हूं, जरा रुकिएगा। हां जी, तो अच्छा, तो यहां पे RSI 33 से चलना शुरू हुई और उसने अपना हाई लगाया 83 का और इसके अंदर उसने आपको 23,000 पॉइंट्स की रैली दी थी। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अब देखें कि यहां से जो अगली लेग शुरू की थी एक कंसोलिडेशन से निकलने के बाद मार्केट ने, तो उसको हम देखते हैं कि अगर हम इसको इसके आगे रखें तो क्या टारगेट निकलता है। ये देखें, अब टारगेट निकल रहा है 65,000 का। अब ये पहले भी काफी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केट हमारे प्राइवेट ग्रुप के अंदर कि इतना अचीवेबल है टारगेट जो है ना, 60,000 से 65,000 इजीली मार्केट अचीव कर सकती है विद इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बस शर्त यह है कि कोई जारी सी बात है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर या फिर कोई पॉलिटिकली ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। जारी सी बात है, चीजें स्मूथ चलेंगी तो ये चीजें होंगी। अब काफी सारे बेवकूफ लोग ऐसे होते हैं, स्टूपिड जो लोग होते हैं कि भाई आपने तो ऐसा कहा तो ऐसा हो गया, तो ये तो भाई अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक टारगेट दिया हुआ है, बीच में कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, तो इसके अंदर भी मार्केट क्या करेगी, इतनी तो समझ आपके अंदर खुद होनी चाहिए कि भाई इस वजह से मार्केट ने टर्न ले लिया, नहीं भाई ये तो टारगेट अचीव होना चाहिए। तो ये बार बार जो है ना उन जैसे लोगों के लिए बता रहा हूं कि ये चीजें चलेंगी इन स्मूथ वे, अगर इकोनॉमी भी ये सारी चीजें आगे आपकी चलती हैं तो ये चीजें अचीवेबल हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम इसका एरिया भी इवन के मेयर करें, जो कि मैंने मेयर किया था, तो ये भी कोई ना ज्यादा फर्क नहीं था इस चीज के अंदर। यहां पे अगर हम देखें तो ये कोई 410 दिन के अराउंड ये बनते हैं जितना इसने कंसोलिडेट किया है, और यहां पे अगर हम देखें तो ये कोई 350 अब एग्जैक्टली इसको एडजस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये कोई 50 एक दिन का फर्क था दोनों के अंदर। मतलब ये यहाँ पे
आपकी जो कंसोलिडेशन हुई थी ये कोई 400 दिन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और यहाँ पे कोई 350 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। तो काफी आपको यहाँ पे जो देखें तो सिमिलर चीजें नजर आ रही हैं, इवन के डाइवर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें, आप जो आपकी कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें, आगे जो उसकी लेग पूरी है जिस तरह से उसने आगे चला है डाइवर्जेंस के बाद और एक कंसोलिडेशन बॉक्स से निकलने के बाद जिस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से देखें तो बड़े बहुत ही अच्छी एक आगे इंडिकेशन मार्केट दिखा रही है कि अगले एक आध साल के अंदर आपको मार्केट ये टारगेट अचीव करके दे सकती है इंशाल्लाह से। और ये अभी जिस तरह से पहले जो हमारी सेकंड लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मार्केट का व्यू दिया था यूट्यूब पे, उसमें भी इस कंसोलिडेशन का जिक्र किया था लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताया था, तो सोचा मैंने इस चीज को हम डिस्कस करते हैं एक सेशन करके, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कितनी सारी हमें चीजें देखने को नजर आई। अब यही चार्ट मेरे सामने होते हैं, यही चार्ट बाकी सबके सामने होते हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट किया करें चार्ट्स के ऊपर। बहुत सारी चीजें होती हैं आपको जो इस तरह की मिल जाती हैं और जिससे आपको आप एक अंदाजा लगा सकते हैं वो जो अगर इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं और वो सारी चीजों को मिला के वो सारी चीजें मतलब ट्रैक के ऊपर रहती हैं, तो उसके साथ आपको ये चीज नजर आएगी कि भाई इतना अचीवेबल। अब लोग जो हैं, अब जो एक आध कैंडल के बीच अब मार्केट चल रही है उसके अंदर रह के पैनिक हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना करंट सेंटीमेंट के अंदर जीते हैं भाई। आज जो है ना मार्केट उनके लिए वही सब कुछ है, ठीक है। मार्केट यही जब ठीक होगी तो वो बॉटम पे कभी भी बाय नहीं करेंगे, मार्केट जब बहुत ऊपर आ जाएगी तो फोमो उनको तंग करेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई निकलना चाहिए, वो टॉप पे बाय करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगी तो रोएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग टेक्निकल अक्सर अब जो लोग हैं वो टेक्निकल के पीछे भागते हैं लेकिन मार्केट को नहीं समझते, ठीक है। तो ये एक वीकली व्यू था मार्केट का। अब जो है ना डिस्कस करते हैं मंथली के ऊपर कुछ डाइवर्जेंस वीकली चार्ट में बनी है, आया ये डेली पे भी बन रही थी। हाँ, डेली के ऊपर तो बनी थी, छोटी सी बनी थी, लेकिन ये वीकली के ऊपर तो इस पूरी रैली के बाद अभी जाके बनी है ना, वीकली के ऊपर तो बनी ही अब थी जाके, ठीक है, जो यहाँ पे उसने जाके बनाई थी। वीकली के ऊपर पहले कोई डाइवर्जेंस थी ही नहीं, वीकली के ऊपर अभी पहली डाइवर्जेंस थी। डेली के ऊपर जो थी, डेली के ऊपर तो कितनी दफा ही बनी है ना, डेली के ऊपर छोटा टाइम फ्रेम है, तो वीकली के ऊपर जब बनेगी तो वो मार्केट को बहुत ज्यादा हर्ट करेगी वो डाइवर्जेंस। मंथली के ऊपर बनेगी तो वो शायद मार्केट को क्रैश कर दे, ठीक है। तो अभी चल के हम देखते हैं और कंसोलिडेशन का जो ये पीरियड है अभी तकरीबन कुछ 40-50 एक दिन का फर्क है। हाँ, तो मेरी नजर में मंथ एंड भी देखें तो वही टाइम आ जाता है जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है 26-1 नवंबर। हाँ एग्जैक्टली, उसके करीब करीब हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट को जो है ना थोड़ा जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिला के देखो, अगर आपकी इकोनॉमी खराब हो जाती है ना भाई तो टेक्निकल्स है, इकोनॉमी को फॉलो करना है, मार्केट को फॉलो करना, फिर आपको जारी सी बात है फिर बेवकूफ लोग आके कहेंगे भाई आपने तो ये कहा था तो ये हो गया, वो कहा था तो वो, मतलब ये बकवास चीजें। आपको अपनी समझ होनी चाहिए ना कि क्यों इस तरह से मार्केट के अंदर हुआ है, ठीक है। तो मंथली के ऊपर जाके देखते हैं, मंथली के ऊपर कुछ एक आध बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो नजर आई थी मुझे। EMA 30 को यहाँ पे हम लगाएंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अच्छा, तो अब यहाँ पे चीजों को अगर देखें ना मंथली के चार्ट के ऊपर, तो मंथली में आपको एक चीज नजर आएगी जो मैंने महसूस की है कि अगर हम एक कंसोलिडेशन बॉक्स यहाँ पे भी बनाएं, आप देखें यहाँ पे जारी सी बात है कंसोलिडेशन का जो पैटर्न है, आप ये देखें ये कंसोलिडेशन का बेसिकली पैटर्न है। अब इसमें अगर डेली के ऊपर जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम लग रहा होगा, लेकिन मंथली के ऊपर बहुत छोटा सा एक उसी तरह का एक कंसोलिडेशन बॉक्स है जिस तरह से हमने कहां पे बनाया अभी वीकली के ऊपर, ठीक है। अब इसमें देखें कि मार्केट क्रैश हुई, ये पूरी जहां तक मार्केट क्रैश होके आई, ठीक है। अब इसमें कोविड आया, कोविड की वजह से दोबारा क्रैश हुई ऊपर की, वो चीजें छोड़ें, ये चार्ट को नहीं पता,
कोविड आया था कि नहीं। चार्ट वही आपको शो करेगा जो पैटर्न्स शो करेगा बेसिकली, जो एक्चुअली में पैटर्न्स बन रहे हैं जिसको देख के आप आगे मार्केट को कह लें कि फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी आप देखें तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आती है कि यहाँ से जब पूरी मार्केट एक क्रैश हुई, फिर जो कंसोलिडेशन एक पैटर्न होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक लिमिटेड रेंज होती है जिसके अंदर मार्केट मूव करती है, ठीक है। जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे देखें दोबारा से ऊपर गई, यहाँ पे पहली दफा मार्केट ने टच किया, ठीक है, जो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मार्केट ने बनाया, इन्वर्टेड हैमर कह लें इसको या शूटिंग स्टार कह लें। तो यहाँ पे टच किया, मार्केट ने रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आई। इसके बाद देखें इस कैंडल पे मार्केट ने एक स्ट्रांग मारुबोजू के साथ मार्केट ने, और नीचे वॉल्यूम्स देखें कितने मैसिव किस्म के मार्केट ने वॉल्यूम्स लगाए थे। इसकी एवरेज को भी हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे अब देखें तो एक जबरदस्त किस्म की उसने ब्रेकआउट दिया और मैसिव वॉल्यूम्स के साथ। अब वॉल्यूम यहाँ पे कितने लगे, ये देखें एवरेज वॉल्यूम थी 3.5 बिलियन की और लगे कितने हैं, तकरीबन पौने 6 बिलियन के वॉल्यूम लगे, मतलब मैसिव किस्म का ब्रेकआउट। और आप देखें जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं उसके अंदर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे पहले रेजिस्ट, आवाज नहीं आ रही, बाकी किसी को कोई इशू आ रहा है आवाज में, ठीक है ठीक है, आप रिकनेक्ट करके देख लें। अच्छा अब इसके अंदर एक चीज देखें तो यहां पे देखें कि पहले मार्केट हमारी ऊपर गई, उसने टच किया, शूटिंग स्टार बनाया, नीचे आई और ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर वापस ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गई और उसके बाद वापस नीचे आई, यहां पे आके उसने क्या किया, रीटेस्टिंग की, रीटेस्टिंग के बाद ये जबरदस्त किस्म का मारुबोजू और उसके बाद ये दोबारा से रीटेस्टिंग हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें तो इस रीटेस्टिंग के अंदर भी देखें मार्केट ने बहुत अच्छा एक हैमर बनाया है और दोबारा से मार्केट ने ऑनर किया है उसी कंसोलिडेशन बॉक्स के टॉप को। तो मतलब अभी हमारा जो मेजर एरिया है मार्केट का, अगर बिगर पिक्चर के अंदर देखें तो वो 43,000 मार्केट का मेजर एरिया है जिसको मार्केट ने पहले भी रिस्पेक्ट किया था। जब याद है आपको वो सेनेट वाला इशू हुआ था तो एक एक ऑडियो भी भेजी थी 9-10 मिनट की कि भाई यहां पे बस है मार्केट की, ले लो जो लेना है, तो आगे वर्स्ट केस सिनेरियो वो सारी चीजें एक्सप्लेन की। तो 42,800 तब भी लो लगा था, अभी भी रिसेंटली मार्केट ने 43,000 का लो लगाया, तो मतलब कि मार्केट ने दोनों दफा रिस्पेक्ट करके एक अच्छा गेन यहां से इस लेवल से दिया है। ऑल्दो इसमें वॉल्यूम्स कम रहे हैं, वॉल्यूम्स आपके जब आएंगे, अब वॉल्यूम्स कब आएंगे, वो वाले वॉल्यूम जो हम पहले एंजॉय करते थे, पिछले हमने कोई एक साल एंजॉय किया तो 250-300 मिलियन के नॉर्मल हमें आदत हो गई थी इतने वॉल्यूम्स की, तो वो आपके वॉल्यूम्स आएंगे जो आपका वीकली ब्रेकआउट लगना है। और वीकली ब्रेकआउट कहां पे आपका लगेगा, वीकली ब्रेकआउट आपका लगेगा 48,500 पे, ठीक है, 48,500 पे आपका वीकली ब्रेकआउट लगना है। इस ब्रेकआउट के बाद फिर आप मार्केट के अंदर देखोगे मैसिव वॉल्यूम्स उसी तरह से वापस आएंगे जिस तरह से आप पहले देखते थे मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स। आप देखें कि यहाँ पे अगर मंथली की पिक्चर देखें तो मंथली के ऊपर मार्केट के अंदर कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती, ठीक है। मंथली के अंदर अगर कैंडल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे इस पे ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर आगे दोबारा से मार्केट ने कंटिन्यू किया एक ह्यूज मारुबोजू के साथ, 7 बिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम लगा, और उसके बाद आप देखें कि तीन बीच में कैंडल्स बनी जो कि छोटी छोटी रेड कैंडल्स हैं। अब यहाँ पे आपको वो कोई वो पैटर्न याद आ रहा है जो हमने सेकंड सेशन के अंदर गालबन पढ़ा था, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, जिसके अंदर पहले एक ह्यूज मारुबोजू वॉल्यूम्स के साथ, फिर तीन रेड कैंडल्स बनती हैं डल वॉल्यूम के साथ, और फिर दोबारा से एक ह्यूज मारुबोजू बनता है, ठीक है। यहां पे एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बना, उसके बाद आप देखें कि ये सारे अभी तक की जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी की सारी एक डल वॉल्यूम के साथ कैंडल्स बनी हुई हैं, कोई भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव वॉल्यूम्स के साथ कैंडल नहीं है, सिर्फ एक ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल थी, या फिर एक ये कैंडल थी, ठीक है, ये दो कैंडल्स जो हैं, ये जो इन्वर्टेड हैमर्स हैं इनके ऊपर वॉल्यूम लगा हुआ है ज्यादा। अब इनके ऊपर वॉल्यूम क्यों ज्यादा लगा, अगर आपको याद हो तो जब मार्केट
इस लेवल पे आके भी यही चीज हुई थी, यहाँ पे भी यही चीज हुई थी कि मार्केट रुक गई थी जो मेन मार्केट थी, और कचरा चला था जो के एस सी 100 के अंदर कचरा आता है, जिसके अंदर यूनिटी आता है, के इलेक्ट्रिक आता है, और इस तरह के बहुत सारे शेयर्स हैं जिनका वॉल्यूम के एस सी 100 के इंडेक्स में रिफ्लेक्ट करता है, तो इनकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ था इन दोनों कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस बड़े मारू बुजू के बाद ये जो कॉन्टिन्यूशन हुई हुई है, इसके बाद ये सारे डल वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें, जब भी आपकी मार्केट के अंदर दोबारा से स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह से, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड है कि एक आपको और एक स्ट्रांग कैंडल चाहिए, और उसका ब्रेकआउट हमें चाहिए 48,000 से ऊपर, ठीक है। और फिर आप ये ट्रेंड इंशाल्लाह से कंटिन्यू होते देखोगे, क्योंकि अगर हम इसको कंसोलिडेशन मान रहे हैं तो अभी आपकी कंसोलिडेशन के बिल्कुल ऊपर खड़ी हैं कैंडल्स, अभी उसने ट्रेंड शुरू नहीं किया उसके हिसाब से, अगर देखें मंथली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से आपका ट्रेंड शुरू नहीं हुआ, ठीक है। और फिर इसको हम टारगेट करते हैं यहां पे 65,000 के ऊपर, ठीक है। ये है आपका ट्रेंड आगे, जो जिसकी बेस ये सारी एक्युमुलेशन है, ठीक है। तो ये आप आगे आपका ट्रेंड है। अब एक और चीज जो मैंने ईएमए 30 में भी देखी थी, जो मैंने अभी लगाई हुई है, तो ईएमए 30 को अगर देखें तो ये काफी पावरफुल रही है हमारे मंथली के चार्ट के ऊपर। तो एक दफा जब मार्केट क्रैश हुई थी यहां पे मार्केट को ईएमए 30 ने ब्रेक किया था, क्योंकि जारी सी बात है जब मार्केट के अंदर मंदी होगी या वॉल्यूम्स नहीं होंगे, किसी चीज को मार्केट ऑनर नहीं करेगी, इंक्लूडिंग एनी इंडिकेटर और मूविंग एवरेजेस वगैरह या ट्रेंड लाइंस वगैरह, ठीक है। तो यहां पे आपकी मार्केट 2008 में जो रिसेशन आया था उसकी वजह से क्रैश हुई थी। उसके अलावा अगर आप देखें यहां पे मार्केट ने जब रिकवर किया तो फर्स्ट टाइम 30 ईएमए से उसने बाउंस किया, फिर 30 ईएमए से यहां से बाउंस किया, एक रैली शुरू हुई, और ये वो कंसोलिडेशन है, ठीक है। ये वो कंसोलिडेशन है जो मैंने आपको वीकली के ऊपर दिखाई है यहां पे, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन हुई मार्केट की, और जो 400 दिन तक कंसोलिडेशन चली, तो यहां पे अगर एक चीज देखें तो जो मार्केट की कंसोलिडेशन की लास्ट कैंडल थी तो वो भी 30 ईएमए के करीब से होके गुजरी थी, ठीक है, बिल्कुल करीब तक आई थी, और उसके बाद फिर एक हमें जबरदस्त किस्म की रैली आगे मिली थी मार्केट की। अभी भी आप देखें कि जब मार्केट आपकी क्रैश हुई थी 53,000 से नीचे आई, तो मार्केट ने, आपको याद होगा जो पुराने लोग हैं मार्केट में कुछ साल हो गए जिनको, तो मार्केट आपकी 53,000 से क्रैश हुई थी और आपकी मार्केट कुछ 41,000 तक गई थी, ठीक है, और वहां से फिर एक रैली आई थी 47,000 तक मार्केट गई थी, जब नवाज शरीफ को अनाहिल किया गया था 42,000 या 3,000 पे मार्केट थी, जुम्मे वाला दिन था, दोपहर को 12 बजे फैसला आया था ब्रेक के अंदर, और मार्केट अगले ब्रेक के बाद 1700 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुई थी, टीआरजी लोअर कैप पे ओपन हुआ था 34 या 35 रुपीस के ऊपर, और हमने फुल ऑन टीआरजी को बाय किया था, और उसी दिन वो अपर कैप के पास चीजें चली गई 1700 नेगेटिव से, मार्केट पॉजिटिव हो गई माशाल्लाह से, और 47,000 तक मार्केट गई, हमने 46,000 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, मतलब ये पुरानी चीजें आपको बता रहा हूं। तो वहां पे भी अगर देखें तो उस क्रैश की सिचुएशन में भी जब मार्केट ने एक डीप करेक्शन ली थी तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहां पे देखें तो 30 ईएमए को ऑनर किया हुआ है, तो उस पे एक अच्छा बाउंस बैक मार्केट को मिला 47,000 तक, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से आपकी क्रैश की। इवन के आप यहां पे भी अगर देखें जरा जूम करके तो मार्केट दूसरी दफा भी जब नीचे आई है तो मार्केट ने 30 ईएमए को दोबारा से बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट किया हुआ है। यहां पे अगर गौर करें आप तो मार्केट 4 महीने इस 30 ईएमए से ऊपर खड़ी रही है, पहली ये कैंडल देखें और इसके नीचे विक देखें, फिर अगली ये कैंडल देखें जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इसके नीचे विक देखें और मार्केट ने दोबारा ऊपर क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे हैमर बना, मार्केट ने दोबारा ऊपर क्लोज किया, इस कैंडल ने दोबारा ऊपर क्लोज, मतलब 4 महीने मार्केट इससे ऊपर खड़ी रही है 30 ईएमए से, बावजूद इसके कि आपके इंटरेस्ट रेट और ये सारी चीजें बुरी तरह से खराब हो रही थी, और उसके बाद फिर मार्केट आपकी अल्टीमेटली नीचे आई, क्रैश हुई, मार्केट ने अपना बॉटम लगाया, ठीक है, और उसके बाद फिर रिकवरीज और वो सारा कुछ जो सिलसिला चला था
जिसके अंदर फिर ये आपके बाजवा साहब थे, और वो एक दफ़ा इनकी मीटिंग भी हुई थी स्टॉक एक्सचेंज के शायद बंदों के साथ हुई थी, जिसके बाद फिर मार्केट बहुत अच्छा चली, जहाँ पे हम फंसे भी थे, मुझे आज भी याद है, बहुत बुरी तरह फंसे थे शॉर्ट्स के अंदर। मैं आपको बताता भी हूँ कि भाई जो मेरी गलतियाँ हैं मैं आपको बताता हूँ ताकि आप उससे सीख सकें, आप खुद गलती करके सीखेंगे तो उसमें क्या मज़ा है, ठीक है। तो 30 EMA का बहुत अहम यहाँ पे रोल रहा है कि ऐसी 100 मंथली के चार्ट के ऊपर। तो अभी भी अगर आप देखें तो आपकी जो मार्केट करेक्ट होने आई थी तो वो 30 EMA के करीब से ही मार्केट होके वापस ऊपर गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मैंने मार्केट के अंदर ऑब्जर्व की थी। और यहाँ पे अगर आप देखें जो हम आगे बात कर रहे थे कि मार्केट में जब डाइवर्जेंस बनती है मंथली के ऊपर, तो उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, ये देखें, ये मार्केट की डाइवर्जेंस थी मंथली के ऊपर ये, और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्जेंस बनाई थी, यहाँ पे देखें और ये देखें, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, और अभी हमारी डाइवर्जेंस वाले आसार दूर दूर तक फिलहाल इंशाल्लाह से नहीं है, तो जब यहाँ पे बनेगी वो तब की तब बात है। लेकिन अभी आपने देखा है कि वीकली के ऊपर डाइवर्जेंस हमारी बनी थी और उसने मार्केट का क्या हाल किया, तो मंथली के ऊपर बनेगी तो वो क्या करेगी मार्केट के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी इसको लेके, KSE 100 को लेके, आगे इसके टारगेट्स को लेके।